बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, आस पड़ोस के लोग तुम्हें देखने आएंगे। अपने हाथ से अच्छे से प्याज और आलू के पकोड़े बना देना। सॉरी आंटी जी, पकोड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं अभी एक हाँ, तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो जो सारे पकवान हमने खाए वो तुमने खुद बनाए थे अपने हाथ से। और मैंने रिशु को बोला था, रिशु तुम्हें बोला था ना, कचौड़ी बहुत खस्ता बनी है। आंटी जी, आप मेरी मम्मी की बात मत सुना करो, वो तो कहती हैं जब घर के ऊपर से जहाज जाता है कि पापा जी ने बनाया। आप उनको माइंड मत करो, वो उनकी बुरी आदत है। बुरी आदत की वजह से हम गलत बहू घर ले आए। हमको गारंटी दी थी कि तुम सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो, अब दिखाओ कहाँ हो सुशील। आंटी जी, मैं सुशील हूँ, सोमवार का व्रत रखती हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बस पकोड़े तलना नहीं आता ना मुझे, कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। हाँ, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, बिकनी मैट, क्लीनअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। बहू चाहिए थी, ब्यूटी पार्लर उठा के ले आया। बायोडेटा में लिखा था कि होमली हो। आंटी जी, आप तो बायोडेटा की बात ही मत करो, बायोडेटा में आपने भी लिखा था आपका बेटा 5 फुट 10 इंच का है, इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना टापे लड़का। मैं चाय और पकोड़े लेके आता हूँ। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो। मैं भी